नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम है ब्रिजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। 30 मार्च 2019 का उपाय अब मैं आपको बता रहा हूँ। 30 मार्च 2019 को क्या करना है, आप जानते हैं मैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदलता है, जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाता है, जो आपको बहुत अधिक लाभ देता है। क्योंकि ये जो उपाय हैं प्रतिदिन के, यदि आप करने शुरू कर दें तो आप देखेंगे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। नवरात्रे भी आ रहे हैं, आप जानते हैं 6 अप्रैल से नवरात्रे हैं। नवरात्रों से पहले ही 3 वस्तुएं लेकर रख लीजिए, बहुत अधिक ज़िंदगी बदलेगी। मैंने एक वीडियो डाला है नवरात्रों में ले आएँ ये 3 वस्तुएं, यानी इस्तेमाल तब करें, ले चाहे पहले आएँ, वह वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ब्रिजमोहन सूरी टाइप कीजिए यूट्यूब पर, मेरा चैनल खुलेगा, उसमें लिखिए नवरात्रों में ले आएँ ये 3 वस्तुएं, और फिर वो पूरा वीडियो देखकर वो ले आइए। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2019 के उपाय की। तो क्या करना है ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। शनिवार है ये समझ लीजिए, सैटरडे है तो सैटरडे के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नवरात्रों से पहले ये सैटरडे आ रहा है और इसकी विशेष शक्ति है और नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, तो हमें देखना होगा या तो छाता या तवा, छाता तवा या लोहे की कटोरी, इन तीनों में से कुछ भी ले आइए और किसी ब्राह्मण या साधु को दान कर दीजिए। तवा, छाता, लोहे की कटोरी या शूज ले लीजिए चमड़े के, प्योर लेदर के, यानी इनमें से कुछ भी, जैस जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, इसमें से ले आइए और किसी को दे दीजिए। यदि पंडित साधु संत नहीं हैं तो किसी मंदिर में दे दें, किसी गरीब को देंगे तो इतना लाभ तो नहीं मिलेगा, ये किसी साधु संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। परंतु यदि नहीं है, किसी गरीब को दे दें नहीं है, किसी मंदिर में दे दें नहीं है, तो पैसे निकाल कर रख लें और जब मौका मिले तब दे दें। ऐसे भी उपाय हो जाते हैं कि जब आपके पास वो व्यक्ति ना हो जिसको देना है तो आप पैसे निकाल कर रख सकते हैं, इनका लाभ आप सदैव ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप परिवार के सदस्यों या अन्य के लिए भी कर सकते हैं, उसके नियम होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी इतना बता दूं कि नवरात्रों में बहुत सारी वीडियो में डालने वाला हूं। नवरात्रों में माँ की शक्तियां धरती पर बरसती हैं, तो आप कृपया ज़रूर देखते रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे इस चैनल में। नवरात्रों में बहुत अधिक लाभ आप उन दिनों में कमा सकते हैं। आज का जो ये टोटका है ये बहुत लाभ देता है, आप जानते हैं मैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं। यानी किसी पर कौन सी राशि चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसका कोई विचार नहीं है। ये जो मैंने उपाय बनाए होते हैं ये गोचर राशि ग्रहों को देखते हुए संयुक्त रूप से बनाए होते हैं, जो आपको लाभ देते हैं, आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और आपके सभी ग्रहों को उच्च करते हैं। यदि परिवार का एक सदस्य करता है, ऐसे हाथ में जल ले ले, ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले ले और संकल्प करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, इसका फल फलां फलां व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले, और फिर जल ऐसे ज़मीन पर गिरा दें तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। यानी ये ऐसे टोटके हैं, ऐसे उपाय हैं जो आपका बहुत उद्धार कर सकते हैं, इनको आम मत समझिए। मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, प्रतिदिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरी इच्छा ये है कि आप खुश रहें।
मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सारा धन आए। मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पति, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता, कोई भी आपसे नाराज़ है तो मिलन हो जाए। मैं ये चाहता हूँ आपका कर्जा उतर जाए। मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए। तो इसलिए नए नए टोटके, नए नए उपाय ढूंढ कर लाता रहता हूँ। तो आप कीजिए, दिल से कीजिए। वैसे आपको बता दूँ कि यदि कोई प्रबल समस्या हो, जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब जन्म कुंडली में यदि पांचवें घर में राहु बैठे हैं और बहुत शक्ति लेकर बैठे हैं तो बेटे की प्रॉब्लम आएगी, परंतु उसका उपाय क्या है? पति पत्नी की दोबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा। आप सभी मत करना शुरू कर देना, ये देखना पड़ता है जन्म पत्री में, अलग अलग उपाय होते हैं। तो जन्म पत्री में प्रत्येक समस्या का हल छिपा हुआ है, सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। हम ढूंढते हैं फिर आपको हल बताते हैं। कई बार होता है बहुत प्रबल योग है, वो योग कार्य नहीं करता है, जब उस योग में कार्य होता है तो सब कुछ होने लगता है। यानी योग है, योग ने आपको विदेश भेज दिया, अब वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश गए, वहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं, परंतु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए। तो ये सब कुछ जन्म पत्री में होता है, परंतु ये जो टोटके हैं बहुत अहम होते हैं, इनको कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोशिश कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होते हैं ना, मूलधन फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ऐसे जब आप लोगों को शेयर करते हैं और वो देखकर उपाय करते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो जो पुण्य प्राप्त होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो WhatsApp पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देख कर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।